ஈஸ்வரம் நாராயணம் சர்வூதயாசிரம் யோ யதி கர்மீவாபியபிச்சாரேண கதாச்சித் யோகியபிச்சரதி பக்தி யோகேன பஜனம் பக்தி சைவ யோக தேன பக்தி யோகேன சேவதே ச குணான் சமதித்யேதான் யதோக்தான் ப்ரஹ்ம பூயாய பவனம் பூயஹ ப்ரஹ்ம பூயாய ப்ரஹ்ம பவனாய மோக்ஷாய கல்பதே சமர்த்தோ பவதி இத்யர்த்தஹ. குதை தத் இதி உச்யதே. ब्रह्मणः परमात्मनो हि यस्मात् प्रतिष्ठा अहम् प्रतितिष्ठति यस्मिन् इति प्रतिष्ठा अहम् प्रत्यगात्मा. कीदृशस्य ब्रह्मणः अमृतस्य अविनाशिनः अव्ययस्य अविकारिणः शाश्वतस्य च नित्यस्य धर्मस्य ஜானயோக தர்ம பிராப்திய சுகஸ்ய ஆனந்த ரூபஸ்ய ஐகாந்திகஸ்ய அவ்யபிசாரிணஹ அம்ருதாதி ஸ்வபாவஸ்ய பரமாத்மனஹ ப்ரத்யகாத்மா
प्रतिष्ठा सम्यक् ज्ञानेन परमात्मतया निश्चीयते तदेतद् ब्रह्म भूयाय कल्पते इति उक्तम्। यथा च ईश्वरशक्त्या भक्तानुग्रहादि प्रयोजनाय ब्रह्म प्रतिष्ठते प्रवर्तते सा शक्तिः यया च ईश्वरशक्त्या भक्त्यानुग्रहादि प्रयोजनाय ब्रह्म प्रतिष्ठते प्रवर्तते सा शक्तिः ब्रह्म एव अहम् शक्ति शक्ति मतोः अनन्यत्वात् इति अभिप्रायः। अथवा ब्रह्मशब्दवाच्यत्वात् सविकल्पकं ब्रह्म तस्य ब्रह्मणः निर्विकल्पकः अहमेव न अन्यः प्रतिष्ठा आश्रयः किं विशिष्टस्य अमृतस्य अमरणधर्मकस्य अव्ययस्य व्ययरहितस्य किञ्च शाश्वतस्य च नित्यस्य धर्मस्य ज्ञाननिष्ठालक्षणस्य सुखस्य तज्जनितस्य ऐकान्तिकस्य ऐकान्तनियतस्य च प्रतिष्ठा अहम् इति वर्तते। इति श्रीमहाभारते शतसहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागो नाम चतुर्दशोऽध्यायः इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यभगवद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य श्रीमच्छङ्करभगवतकृतौ श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये गुणत्रयविभागयोः नाम चतुर्दशोऽध्यायः। सो चौदहवें अध्याय का ये अंतिम श्लोक है। परमात्मा ने ठीक उसके पहले तो ब्रह्मत्व में प्रवेश की योग्यता का जो सबसे बड़ा साधन है उसका उल्लेख किया। भक्ति योगेन अव्यभिचारेण यह यति ही माम सेवते सहैव ब्रह्म भूयाय कल्पते। कथम ब्रह्म भवति गुणान एतान सम्यक रूपेण सुखेन सहजतयैव अतीत्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। यह सेवते स ब्रह्मणि प्रवेशः क्रियते सः ब्रह्म भूयाय कल्पते सः ब्रह्मणि प्रवेशं करोति। कल हम लोगों ने भक्ति योग के विषय में थोड़ी चर्चा करी थी। तो एक तो वैधि भक्ति है, दूसरी प्रेमा भक्ति है। भक्ति में अव्यभिचार के लिए कल मैं कह रहा था कि आश्रय निष्ठा होनी चाहिए, वर्ण शुद्धि होनी चाहिए, आश्रय शुद्धि होनी चाहिए और अंततः स्थिति शुद्धि होनी चाहिए। इस आश्रय और वर्ण में ही मैंने आश्रय बुद्धि और वर्ण बुद्धि में से ही
कुछ आराधना वृत्तियाँ प्रस्फुरित होती हैं, प्रस्फुटित होती हैं, कुछ भक्ति वृत्तियों का संचार होता है, और वो जो वृत्तियाँ हैं ना, वही वृत्ति वाले को अर्थात भक्त को अर्थात जीव को आराध्य के साथ जोड़ती हैं, और जीव उन्हीं वृत्तियों के सहारे जब अपने आराध्य से अपने इष्ट से जुड़ता है तो जुड़ने में उसको किसी प्रकार का श्रम नहीं होता। जैसे आश्रय की जब याचना करता है भक्त तो आश्रय उसको मिलता भी है, लेकिन साथ के साथ में एक ऐसी वृत्ति बनती है भीतर जो भक्त को प्रभु से जोड़ती है, भक्त को प्रभु की ओर उन्मुख करती है। तो याचना वृत्ति भी भक्ति वृत्ति है। याचना वृत्ति भक्ति वृत्ति है, जिसको कि शास्त्र में प्रार्थना वृत्ति कहा गया। प्रार्थना माने अर्थना, अर्थना माने याचना, और इसीलिए भगवान ने अर्थार्थी को भी आर्त को भी भक्त कहा है। देखो पुराणों में आध्यात्मिक रूप से इसको गोपियां हैं ये, इसलिए बार बार भागवत में स्त्रीलिंग का ही प्रयोग बार बार होता है, है ना? आप लोग पढ़ते हो तो ग्वाल बाल का वर्णन कम होता है, ज़्यादातर भगवान जब बाल लीला करते हैं तो अभी ये पाठ हो रहा है तो उसमें गोपियां देख करके मुग्ध हो जाती हैं। तो गोप क्यों नहीं मुग्ध होते? उनका कोई निषेध नहीं है, लेकिन उनका वर्णन भी बहुत कम मिलता है। तो अध्यात्म में उसको देखना चाहिए, अध्यात्मिक वृत्ति स्त्रीलिंगवाची है, ये सब की सब भगवन्मयी हैं, भगवान की ओर उन्मुख हैं, भगवान में रममाण हैं, परमात्मा से विलग नहीं होती। भक्ति एक शब्द है जिसमें नाना प्रकार है, और इसीलिए नाना प्रकार की गोपियाँ हैं। गोपियों में जो अनेकता का वचन मिलता है वो यही है। भक्ति में ही नाना प्रकार की वृत्ति है, प्रार्थना है, वो प्रार्थना में भी अनेकता है। कभी प्रार्थना के लिए प्रार्थना शरीर के लिए होती है, कभी संबंधी के लिए होती है, कभी भविष्य के लिए होती है, कभी समाज के लिए होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, लोग कहते हैं मुझे अपनी प्रार्थना में शामिल करिए, तो प्रार्थना दूसरे के लिए भी होती है। राजा धार्मिको विजयी भवतु, अब देखो ये भी एक प्रार्थना है, प्रभु के सामने खड़े होकर के आप प्रार्थना करते हो, लेकिन उस प्रार्थना का विषय तो राजा है। देशोयम निरुपद्रवोस्तु, अयम देशः निरुपद्रवः अस्तु। तो याचना वृत्ति देखो भक्ति वृत्ति की एक शाखा है,
उस शाखा में फिर अनेक रूपता है। ये गोपियां, ये सब की सब कृष्ण की ओर उन्मुख रहती है। तो जो राधन वृत्ति है ना, राधन वृत्ति अध्यात्म में आराधना वृत्ति ही फिर कथा में राधा शब्द से जानी गई। तो गाते हैं लोग राधे 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 श्याम से मिला दे, तो और कौन मिलाएगा। ये जो राधन वृत्ति है यही जीव को, भक्त को, यही वृत्ति वाले को प्रभु से जोड़ती है, और वो अव्यभिचारिणी है, सिवाय कृष्ण के और किसी के साथ किसी की ओर देखती नहीं। आराधना का जो पात्र है वो कौन है, वो श्री कृष्ण परमात्मा बस। ये विचित्र स्थिति है। अब ये है तो अंतःकरण की वृत्ति, लेकिन भागवत जी में कहा गया कि ये त्रिगुण की वृत्ति नहीं है। हमने कभी बताया होगा चिन्मूर्ति भक्ति को कहा गया तुम चेतन मूर्ति हो। अब वृत्ति है फिर भी उसको गुण की नहीं मानते। भाई जो प्रभु से जोड़े जिसमें बंधन का स्वभाव ना हो वो त्रिगुण से कैसे माना जाएगा। अब तो आप पढ़ ही चुके तन निबधनन्ति कौन्तेय तन निबधनन्ति कौन्तेय देहे देहिनम अव्ययम। तो गुण का तो लक्षण ही यही है कि वो बंधन करे, चाहे सात्विक हो चाहे राजसिक हो चाहे तामसिक हो। तो भक्ति तो बंधन करती नहीं। तो चूंकि उसमें बंधनात्मकता नहीं है, देखो कैसा बढ़िया है, चूंकि उसमें आवरण धर्मिता नहीं है, चूंकि उसमें बंधन करने का स्वभाव नहीं है, छुड़ाने का स्वभाव है, तो इसलिए लक्षण वैलक्षण्य हो गया। गुण के जो लक्षण हैं वो भक्ति वृत्ति में, हालांकि वो वृत्ति है लेकिन वो लक्षण भक्ति में नहीं दिखते, वो तो मातृवत है, है? तुलसी बाबा जानकी जी को एक बार सिफारिश लेके गए, कबहू क अम्ब अवसर पाई, एक विनय पत्रिका में भजन है, हे माँ अम्ब बोलते हैं, हे अम्ब आप तो पास में ही रहती हो, कभी उनका मूड ठीक हो खुश खुश हो तो हमारी सिफारिश लगा देना। बोले कबहू क अम्ब अवसर पाई, हे माँ कभी अवसर मिल जाए तो मेरी सिफारिश कर दो कि एक तुलसी नाम का बच्चा है रिरियाता रहता है, क्यों नहीं देखते उसकी ओर। अम्मा लोग तुम्हारा कभी कभी डांट के भी बोली देती हैं, अवसर पाई मौका देख करके बोले क्या करते रहते हो, तुमको दिल नहीं है, मन में कोई भाव नहीं, कोमलता नहीं, तो क्या हो गया क्या हो गया। वो तुलसी एक बच्चा है जो रिरियाता रहता है, परेशान रहता है, आपका नाम भी लेता है तो आप देखते ही नहीं उसके। जब आप कह दोगी एक बार तो फिर भगवान की भी क्या हिम्मत है। ये अरे राम, तो ये देखो कैसे बोलते, ये छुड़ाने वाली वृत्ति है।
ये बांधने वाली। इसलिए भागवत में लिखा तुम चिन्ह मूर्ति हो, कृष्ण प्रिया हो, और आपकी ऐसी महिमा है कि जहां पे आप रहती हो वहां तो कृष्ण को जाना पड़ता है। याति नीचक गृहेश्वपि, आपकी ऐसी महिमा है यदि आप किसी के हृदय में हो और वो नीच है मान लो, तो भी कन्हैया जी को कोई हिम्मत नहीं है कि वहां न जाए। यह बोला याति नीचक गृहेश्वपि, आपको बताएं ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है, बिल्कुल खुला खुला सच है। परमात्मा सर्वव्यापी है, उसकी उपलब्धि भक्ति वृत्ति के अभाव में ही अनुपलब्धि हो जाती है। ठीक है, भक्ति वृत्ति होवे तो वहीं पर है, यही उसका आना है। हनुमान जी से पूछा विपत्ति क्या है, हनुमान बोलो विपत्ति क्या है। बोले कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। बस बोले यही है, इस वृत्ति का अभाव ही विपत्ति है, क्योंकि इस वृत्ति के अभाव से परमात्मा का अभाव सा हो जाता है। भक्ति चाहिए, यह भक्ति योगेन सेवते स ब्रह्म भूयाय कल्पते, सुखेन एतान गुणान समतीत्य। हा, ऐसी भी एक महिमा है, भक्त्या माम अभिजानाति आवान यश्चास्मि तत्वतः, भक्ति से ही मुझे लोग जानते हैं, भगवान बोलते हैं। भक्ति ना होवे तो चित्त की परमात्मा के प्रति उन्मुखता ही नहीं हो सकती, और परमात्मा के प्रति उन्मुखता नहीं होने का मतलब क्या है, विषय की ओर उन्मुखता, और उधर यदि उन्मुखता नहीं होगी तो क्या होगी, वृत्ति विषय रति करेगी, विषय में आश्रय खोजेगी। विषय के अधीन बनेगी, तो उन्मुखता होवे तभी तो उधर देखेगी, देखेगी तो जानेगी। देखो भक्ति का एक गुण और बहुत प्यारा सा है, जिसके प्रति भक्ति होती है वहां पर अभिमान का स्फुरण नहीं होता, अभिमान में गर्व, वहां पर अभिमान को समर्पित करने में सुख होता है। जहां भक्ति होती है वहां पर इच्छा होती है कि यहाँ पर मैं अभिमान को समर्पित कर दूँ, यहाँ यहाँ ढोने की जरूरत नहीं है। तो आदमी के सिर पर से मानो अभिमान का भार उतर जाता है, थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन उतर जाता है। समस्या है ना, हर जगह अभिमान को समर्पित नहीं कर सकते, वो संभव ही नहीं। भक्ति न हो तो आप समझ, तो एक झंझट है। क्या झंझट है, अभिमान को समर्पित करने की जगह ही नहीं बची। ठीक है, मिला इसका मतलब क्या है बोलो, इसका मतलब है तुम गधे हो। क्योंकि
हमेशा लदे रहते हो, मैंने बोल लेने दीजिए, उसमें कोई शर्म वाली बात क्या है। जो वस्तु स्थिति है वो बेचारा महादरिद्र है, बेचारा ही है जिसको भक्ति वृत्ति का अनुग्रह न मिले, उसको कोई आराध्य ही जीवन में नहीं है, श्रद्धेय ही नहीं है। श्रद्धेय होने का मतलब है कोई ऐसी जगह है जहां मैं अपने अभिमान को नहीं रखना चाहता। कभी ऐसी भी परिभाषा श्रद्धा की जाती है, अभिमान की शांति का नाम श्रद्धा है। जहां अभिमान शम को प्राप्त हो। देखो ये भी एक भक्ति वृत्ति है, ये भी एक गोपी है। आश्रय बोध के साथ जब कृतज्ञता वृत्ति का संचार होता है, ये भी एक गोपी है, ये भी भक्ति योगेन सेवते ही है। कल मैंने बहिरंग लक्षण किया था, है ना, आज थोड़ा अंतरंग की ओर देख लें तो प्रत्यक्ष ही हो जाएगा कि ब्रह्म भूयाय कल्पते कैसे नहीं होता। ये तो बिल्कुल यथार्थ है, सच है। बल्कि ये भी प्रत्यक्ष हो जाएगा कि अगर ये वृत्तियां नहीं होगी तो ये ब्रह्म भूयाय कल्पते कभी नहीं होगा। क्योंकि जीव को अनादि काल से विषयाशक्ति है, पता 50 तरह की परेशानियां हैं, गुणों से पूरी तरह आबद्ध है, उसमें ईश्वर की ओर उन्मुख होने का कोई निमित्त ही नहीं है। देखो सत्संग जहर लगता है, कहीं तो मैंने सत्संग शुरू हुआ नहीं, मैं कभी कमरे में ना देखता हूं जहां सत्संग की चर्चा शुरू होगी तो स्वामी जी मैं चलता हूं। मैंने कहा ये बढ़िया काम है यार, हम चलते हैं अब, ठीक है, देखा है ना। और हमारे लिए बड़ा सस्ता तरीका है, शुरू करो भाई, बस पता चला कि जिसको जाना है वो अपने आप है हरिओम तत्सत। तो अपने को भी एक तरीका मिला हुआ है, बड़ा ग्रेसफुल। अब देखो मैंने बोल दिया, पोल खुल गई, ये तो ठीक नहीं किया मैंने। भक्ति योगेन सेवते माम। सत्संग जहर लगता, सत्संग में बैठ भी गए तो अभिमान का विसर्जन नहीं हो पाता। साभिमान सत्संग होता है कि मैंने तो आयोजित किया है, लो तो अब वहां कोई जिज्ञासु या भक्त भाव नहीं है, क्या आयोजक हूं, मैंने ही बुलवाया था स्वामी जी को। अच्छा तो आप तो हो गए, है ना, अब बोलो आप। आयोजक वृत्ति प्रधान बना करके वो तो कभी असली बात घटेगी नहीं। ये तो खाक हो गुरु की चरण में, भीमसेन जोशी गाते हैं। माने इसीलिए कहा जाता है तुम जाओ, वहां जाकर के सेखी नहीं बघारोगे, कम से कम माने गुरु के पास जाओगे तो अपनी टोपी तो उतार ही दोगे, तुम्हारा बैकग्राउंड वहां कोई पूछने वाला है नहीं। तो संभव तो गुणों में व्यक्ति इतना आबद्ध है, ये माता जी ही हैं, भक्ति वृत्तियां ही हैं जो परमात्मा की ओर इस जीव को उन्मुख करती है।
प्रार्थना वृत्ति, आश्रय बोध वृत्ति, जिसको बोलते हैं भरोसा वृत्ति, कृतज्ञता वृत्ति। और एक बार भरोसा निश्चय हो जाए ना, तो याचना वृत्ति धीरे धीरे लुप्त हो जाती है, तब स्वीकृति वृत्ति जाती है, जो भावे सो कर कृपा। क्योंकि परमात्मा के विधान में विश्वास हो गया कि जो वो करेंगे वो ठीक ही करेंगे, तो अब मैं क्या फरमाइश करूं फिर। जब ये बात कहीं दिल में उतरने लग गई, जमने लग गई कि जो वो करेंगे ठीक ही करेंगे, तो फिर अब अपनी ओर से सलाह क्यों दूं, क्या मूर्ख हैं क्या वो, ये भाव जगने लगता है। तो फिर जो प्रभु कीन्हा सो भल मान्यो, नानक जी का, जो प्रभु कीन्हा सो भल मान्यो, एक सुमति संतन थे पाई, बिसर गई सब तात पराई। ये देखो, ये सब गोपियां हैं, ये पुरुष वृत्ति नहीं है, पुरुष वृत्ति परुष है, अभिमान की थोड़ी प्रधानता होती है। इसीलिए बार बार भागवत जी में वो गोपी 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 शब्द आते हैं। नारद जी ने भी भक्ति सूत्र में जब परिभ्रम दृष्टांत दिया तो गोपी शब्द का उच्चारण किया। कैसे, जो पुराने पढ़े हुए लोग हैं, नहीं हैं हैं नहीं नहीं गोपी का दृष्टांत, हाँ, यथा ब्रज गोपी का नाम ही, ये दृष्टांत है। और भागवत जी में ही ये गोपिका तत्र प्रमाणम, प्रमाणास्तत्र गोपिका, ये एक वाक्य है। गोप क्यों नहीं, वो तो फिर वही है, वृत्ति बदल जाती है ना। इसे मैंने कहा आश्रय बोध वृत्ति, आश्रय बोध फिर पुल्लिंग हो जाएगा। क्या बोलोगे, आश्रय बोध वृत्ति, भरोसे की वृत्ति। फिर याचना वृत्ति नहीं, फिर तो स्वीकृति वृत्ति। नानक जी ने तो एक जगह अद्भुत लिखा, तेरा भाना मीठा लागे। उन्होंने कहा मैं स्वीकार नहीं करूंगा बल्कि मुझे मीठा लगता है, तेरा भाना मीठा लागे, जो तुम्हारा विधान है वो मुझे बहुत मीठा लगता है। लो, स्वीकृति तो नीचे रह गई। देखो ये भी एक वृत्ति है, भक्ति वृत्ति, परमात्मा जो चाहते हैं वही होता है। ये भी एक वृत्ति है, उनके सामर्थ्य की स्मृति वृत्ति। राम कीन्ह चाहई सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। ये देखो क्या पंक्ति है, ये सब भक्तों के गढ़े हुए उद्गार हैं, जो जीवन में उन्होंने पाया अनुभव किया, उद्गार हैं, उठते हैं। राम कीन्ह चाहई सोई होई। अब सब कर्तव्य के बस में होता तो फिर तो अनिष्ट फल कौन चाहता है, लेकिन अनिष्ट फल आता है। दुनिया भर के लोगों ने कहा, जिन्होंने दुनिया पर राज किया उन्होंने अपने यहां एक मुहावरा बना डाला, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। दुनिया पे राज करने वालों को ये समझ में आया ये होता है। सो देखो ये क्या है,
सामर्थ्यानुभूति वृत्ति है, ये सब भीतर भीतर की वृत्तियां हैं, सब जीव को भक्त को प्रभु से जोड़ती हैं। जब हमारे चित्त में इन वृत्तियों का प्रवाह होने लगे, चाहे प्रार्थना वृत्ति हो, चाहे उसके सामर्थ्य की स्वीकृति हो, चाहे भरोसा का अनुभव हो, जो भी वृत्ति हो, अगर ये तज्जातीय भक्ति जातीय वृत्तियों का जब प्रवाह होने लगता है, तब हमें कहना चाहिए कि वो हृदय भक्त का हृदय है। स्वीकृति वृत्ति आ गई, सामर्थ्यानुभूति की वृत्ति आ गई। अब देखो प्रार्थना वृत्ति आई, ये फिर से प्रार्थना वृत्ति आती। अब यहां पर प्रार्थना परिस्थिति के लिए नहीं है, यहां प्रार्थना किसकी? बोले क्या चाहिए तुमको, भगवान मानव खड़े हुए भक्त के सामने, बोले क्या चाहिए तुमको? बोले आप चाहिए, परिस्थिति नहीं, क्या अब आप दे दो अपने को। देखा, ये भी एक प्रार्थना है ना। किसी ने कहा कि तुम्हारे जैसा बेटा दो, ये भी एक प्रार्थना है। लेकिन किसी ने कहा नहीं, अब आप बेटा बेटी छोड़ो, बहुत हो गया, अब तो बस आप ही आ जाओ। रीझे रहो मेरे ऊपर, बस ऐसा मुझको लगना चाहिए। बोले कैसे समझाऊं कि मैं तुम्हारे ऊपर खुश हूं? तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी थोड़ो, मुझे लगना चाहिए कि तुम मेरे ऊपर खुश हो। अब तुम कैसे करोगे? नाचो गाओ तोरो ताल, जो मर्जी करो, बांसुरी बजाओ, मुस्कराओ। भगवान का मेरे ऊपर छोह है, ये मुझको लगना चाहिए और ये आपकी जिम्मेदारी है। और भगवान निभाते हैं। जा रहे थे द्वारिका, युधिष्ठिर ने कहा रुक जाइए थोड़े दिन, कुंती ने कहा रुक जाइए थोड़े दिन। अब भगवान को कोई हस्तिनापुर में रुकने का प्रयोजन नहीं था, लेकिन बोले अच्छा रुक जाता हूं, मालूम था ना कि क्या करना है। तब तक संदेश आया कि पितामह भीष्म अब प्राण छोड़ने वाले हैं। संदेश माने उनको पता है उत्तरायण आ गया। मालिक साहब की लीला बड़ी विचित्र है, मत्तस्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, वो तो सब करते हैं ना। तो इतने दिनों तक युधिष्ठिर के मन में कोई शंका नहीं आई थी क्या? उस समय पूरा युद्ध हो गया तब शंका आई कि ये मैंने युद्ध ठीक किया कि गलत किया। अरे यार, अब अगर तय भी हो जाए कि तुमने गलत किया कि सही किया, तो अब तुम वापस थोड़ो लौट आ सकते हो। भगवान ने थोड़ी देर झूठ मूठ समझाया। आप समझते हैं भगवान समझाएं और कोई ना समझे, लेकिन झूठ मूठ समझाया। बोले मेरे से तुम समझोगे नहीं, अभी अभी उत्तरायण लगने वाला है, चलो चलते हैं। कहाँ? भीष्म के पास, वही समझाएंगे। अच्छा, जब पहुंचे पितामह भीष्म के पास तो उनको कैसा लगा होगा? उनको लगा हाँ, परमात्मा मेरे ऊपर छो करता है, बोल दिया उन्होंने।
मेरे लिए केवल आया है। देखो भगवान का तरीका है ये महसूस कराने का कि यस मैं तुम पर प्यार करता हूं, तुम्हें कोशिश करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे प्यार होता है। तुम चाहोगे तब भी नहीं ये मान पाओगे कि नाना मेरे से कोई प्यार नहीं। अरे तुम क्या, तुम्हारी हिम्मत क्या, बिलखते हैं युधिष्ठिर महामानव महाप्रतापी। जब उनका दिल कहीं पिघल गया, छू दिया भगवान के प्यार ने उनको, तो विह्वल हो गए। ऐसे होता है, इसको बोलते हैं भक्ति योग। पहले परिस्थिति चाहता था, अब भगवान को चाहता है, उनकी नजर चाहता है। भगवान कहते जाके नरक में रहो, कोई दिक्कत नहीं। एक देखो कमाल है, एक समय में परिस्थिति मांगता था और कहता था भगवान चाहे आपको जैसे मर्जी वैसे दो, लेकिन दो। प्रेम लग जाए तो, प्रेम लग जाए तो ईश्वर कहते हैं हनुमान तुमको यहीं रहना है। देखो एक बार भी नहीं कहा कि सबको साकेत लिए जा रहे हो, मैंने कौन सा अपराध किया था। ये बहस मुबाहसा वाला जो धरातल है ना, ये बहुत पीछे छूट गया। बोले ठीक है, जहां प्रेम होता है वहां इस तरह की बातें लगती नहीं है, वो भी परमात्मा से प्रेम हो। नरक में रख दें ठीक है, कट जाओ, कट जाएगा आदमी। जहां प्रेम होता है वहां कट जाता है। कहीं पर जीवन मांगता है और कहीं पर जीवन दे देता है, फर्क देखते हो दोनों का। भक्ति योग यानी सेवक, ये वो वृत्तियां हैं जो जीव को कहां ले जाती हैं, शिव में। और बीच में गुणों का क्या हुआ, इतने बड़े बड़े बंधन करने वाले रोकने वाले भाले बरछे लेके हैं, बड़े बड़े जाल डाल के हमको रोकने वाले जो गुण हैं, कभी तमस कभी रजस कभी सत्व। सत्व भी महाराज बड़ा खूबसूरत बन बन के आता है, लक्ष्मी की जित जी की तरह कमल हाथ में लिए हुए। भागवत में आया पूतना के बारे में, वो महाराज देवी का रूप लिया और हाथ में कमल भी ले लिया। बताओ पूतना, वो नाम ही उसका ही रखा, पूत नहीं है। उसमें जो आवरण धर्मिता है वो उसमें भी है। सुख संगे वो क्या हुआ उनका, इन गुणों का क्या बना। बोले इन गुणों का कोई अस्तित्व नहीं रहता, इन गुणों में आपको रोकने की सामर्थ्य नहीं बचती। एतान गुणान हाँ अतीत्य नहीं, अतीत्य नहीं सम अतीत्य, सुखे न ब्रह्म संस्पर्श। ये सा भक्ति मार्ग है, ये आराधना वृत्ति है। परमात्मा इन्हीं के साथ विहार करता है, इन्हीं के साथ रसोद्रेक होता है। रास माने क्या, रसेव रास, रसानाम समूह महारास, ये टीका है।
रास माने क्या, रस एव रास तेषाम समूह तासाम अर्थ तेषाम जो तेषाम बोलो तेषाम महासमूह महारास भीतर विशुद्ध सत्व गुण की स्थिति बन जाए, प्रकृति शांत हो, पोर पोर खिला हुआ हो, सरदोत्फुल्ल मल्लिका है, ऐसी प्रशांत प्रकृति में, उत्फुल्ल प्रकृति में चांदनी छिटकी हुई हो, भीतर सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, ये है, ये चांदनी है, खिली हुई हो बिल्कुल। मालिक साहब इन आराधना वृत्तियों के साथ फिर खेलते हैं, आया ये रास। गुणों की क्या औकात है, कि तो जब प्रभु की ओर उन्मुख वृत्ति न होवे तब गुण प्रबल हैं। ओहो राम 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 राम, लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम असम स्पृहा, अरे स्पृहा, स्पृहा को हम भगवान से जोड़ देते हैं, ये होता है। कर्म को मालिक से जोड़ देते हैं, कर्म को अर्चना के पुष्प बना देती है भक्ति, स्वकर्मणा तमभ्यर्च, लोभ को भरत बना देती है, लुबुद मधुपैव तजै न पासु राम चरण पंकज मन जासु, ये भक्ति का स्वरूप ऐसा है। बढ़िया है, और ये बार बार आएगा आपको, देखो मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरंती ते अन्ये न तरंती। ये प्रबल गुणों की धार है, दुरत्य शब्द भगवान के मुख से निकला, माया दुरत्य, एक वृत्ति को पार नहीं कर पाता आदमी, एक ईर्ष्या वृत्ति किसी से लग जाए छोड़ना कठिन है, किसी के साथ एक वैर भाव आ जाए, शत्रु वृत्ति आ जाए, मर जाओ, छोड़ नहीं पाता आदमी, वो पूरे त्रिगुण को लांघने की बात करता है, क्या बात करते हैं। तो अजीब सा कंट्रास्ट है, अगर भक्ति वृत्ति बनी रहे सम्यक रूपेण अतीत्य, न होए दुरत्यया, ये है हाल, अममाया दुरत्यया ब्रह्मभूयाय कल्पते। बोले तुम कैसे ब्रह्म हो जाओगे, ब्रह्म तो ब्रह्म है, मान लो कि परमात्मा की सेवा की हमने, कैसे सेवा की, इन्हीं भक्ति वृत्तियों से। ध्यान रखना कल हमने वैदिक की सेवा अलग बताई, ठीक, अब क्या बोल रहा हूं, आज की वृत्ति, आज का विवरण कैसा रहा, वृत्तियां सेवते, सेवा उपकरण क्या है, भक्ति वृत्तयः एव, भक्ति की जो वृत्तियां हैं वही सेवा के उपकरण हैं। और सच बात यह है कि परमात्मा इन्हीं से प्रसन्न होता है, फूल भी चढ़ने पर प्रसन्न इसीलिए होता है क्योंकि वो भक्ति वृत्ति को कहीं कहीं चिह्नित करती है और संवर्धित करती है, इसलिए उसमें लिखा यो में भक्तियां प्रयच्छति, अन्यथा भगवान को क्यों
फूल उन्हीं का बनाया हुआ है, तुम क्या चढ़ाते हो। उन्हीं वृत्तियों से वो प्रसन्न होते हैं। तो ठीक है, परमात्मा को हमने भक्ति वृत्तियों से पूजा, उनकी सेवा की, वो तो ठीक हो गया। लेकिन ये जो सेवक है, जो भक्त है, वो ब्रह्म कैसे बन जाएगा? शंकराचार्य जी ने ये कैसे कह दिया? मूर्खाधिराज, ये शंकराचार्य ने नहीं कहा, ये वाक्य भगवान का है। तुम तो पक्षी बने बैठे हो, है ना, एक पक्ष में हो कि नहीं ऐसे। ये तो मालिक साहब बोलते हैं खुद, है? ब्रह्म भूयाय कल्पते भक्तः यह सेवते स सेवकः, हाँ, स भक्तः ब्रह्म भूयाय कल्पते। कथम कथम जीवः ब्रह्म भवति? बोलते क्योंकि ये जो अहम है ना तुम्हारा, इसी में ब्रह्म रहता है। देखो क्या श्लोक है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। ये देखो, कभी देखो भला इसका अर्थ देखो। लोग तो संप्रदाय की धारा में बंधे हैं, गीता भले छूट जाए, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। भाष्यकार क्या लिखते हैं, ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूं। प्रतिष्ठा माने क्या? प्रतितिष्ठति अस्मिन् इति प्रतिष्ठा। देखो क्या बढ़िया समास किया, प्रतितिष्ठति अस्मिन् इति प्रतिष्ठा, जिसमें कोई प्रतिष्ठित हो रहे उसको बोलते हैं प्रतिष्ठा। किसकी? ब्रह्मणः, षष्ठी ब्रह्म की प्रतिष्ठा। ब्रह्म प्रतिष्ठा है सो नहीं, षष्ठी में गया ब्रह्म। ब्रह्मणः अहम प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा एक प्रथमा में है और अहम भी प्रथमा में है। महिमा भी अहम शब्द का अर्थ किया भाष्यकार ने, प्रत्यगात्मा। यह जो प्रत्यक आत्मा है किसके लिए बोल रहे हैं भगवान? भक्त के लिए, सेवक के लिए। तुम ब्रह्म इसलिए हो सकते हो क्योंकि तुम ब्रह्म हो। श्लोक संगति है ये, ऊपर के श्लोक से इस अंतिम श्लोक की संगति है। ब्रह्मत्व तुम्ही में रहता है, तुमको छोड़ करके ब्रह्मत्व की सिद्धि नहीं हो सकती, ब्रह्म अधूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्म से बाहर तुम हो गए। ठीक, तो मैं अगर उसके बाहर हो गया तो वो अपूर्ण हो गया। एक और बात समझ लो, जो इस प्रत्यगात्मा से भिन्न है, विलक्षण है, बाहर है, अन्य है, वो दृश्य होगा। या अदृश्य होगा। वाह भाई, दो बातें जरूर होंगी, या तो वो अदृश्य है तो परोक्ष हो गया, या वो दृश्य है तो परिच्छिन्न हुआ और जड़ हुआ। यह किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता कि प्रत्यगात्मा से कोई भिन्न भी हो और दृश्य न हो। या दृश्य अगर नहीं बन रहा है तो ध्यान रखना, दृष्टा नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा? अदृश्य बन जाएगा। इसका मतलब या तो ज्ञात होगा, हाँ, या अज्ञात होगा।
बहुत सारी चीजें हम नहीं जानते तो उसमें अज्ञान की उपाधि लगी हुई है। हमें क्या बोलना पड़ता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम नहीं जानते। ये देखो तो अज्ञान वृत्ति का विषय है वो कोई अप्रमेय वस्तु नहीं है, क्या अज्ञात वस्तु है। इसलिए ये बिल्कुल विचार सिद्ध है, शास्त्र सिद्ध है कि यदि ब्रह्मत्व की प्रतिष्ठा प्रत्यगात्मा नहीं है तो ब्रह्मत्व नाम की चीज नहीं। हरिओम तत्सत। कोई बात करने की जगह नहीं है। तत्र किम प्रमाणम, बोले गीता प्रमाणम, तुम क्या बोलते हो? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। क्या जबरदस्त, ऐसे बड़े बड़े वाक्य हैं ये। बोले महाराज कौन सा ब्रह्म? हमारे मोहल्ले में भी एक आदमी का नाम रखा है ब्रह्मस्वरूप। ब्रह्मस्वरूप चतुर्वेदी नाम रखा है मैंने। और एक सन्यासी जी आए थे, उनका भी नाम था ब्रह्मानंद गिरी। और तीसरे दिन जो आए थे वो पुरी थे। ये कौन सा ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूं? बोले तुम जो है फिर से बहकाने लग गए, फिसलने लग गए। देखो बोलते हैं कीदृशस्य ब्रह्मण। भाष्यकार ने धीरे से एक लगाया उसमें, कौन से ब्रह्म की ये प्रत्यगात्मा, किस ब्रह्म की प्रतिष्ठा है? बोले भगत जी उसी ब्रह्म की प्रतिष्ठा है जो अविनाशी है, अमृतस्य। बोले महाराज मैंने सुना है अविनाशी तो प्रकृति भी होती है। बोले अव्ययस्य च। देखो देखो शब्द को देखो, प्रकृति सांख्यों ने अविनाशी मानी लेकिन अव्यय नहीं मानी। ये देखो कैसा विशेषण देते हैं। कीदृशस्य ब्रह्मणः, बोले अमृतस्य अव्ययस्य ब्रह्मणः। अविनाशी है, निर्विकारी है, तो क्या बोले उसको? शाश्वतस्य। शाश्वत का अर्थ होता है सतत एक रस। शाश्वत माने शश्वत, शश्वत भाव। यस्य भाव शश्वत, निरंतर एक रस, शांतं शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम। हमारे राम जी के बारे में लिखा, माया शंभु फण, कैसे ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम। ये है मालिक साहब शांतम। गोस्वामी जी बोलते हैं वेदांत वेद्यम, तुम्हारे जुडो कराटे से नहीं आने वाला है, ये एक ही प्रमाण है। कौन बोलता है? तुलसी भावा। जबरदस्ती उनकी टांग खींच खींच करके अपने संप्रदाय में उठाते हैं लोग। संत सत्य के पक्ष में, संप्रदाय के। शाश्वतस्य ब्रह्मणः अमृतस्य ब्रह्मणः अव्ययस्य ब्रह्मणः प्रतिष्ठा कः। आओ अभी तक हम पढ़ रहे थे ब्रह्म प्रतिष्ठा है किसकी? दुनिया की। बोले ब्रह्म की मैं प्रतिष्ठा हूं।
है राम राम। गीता की उलटवासी है। ध्यान देना, ये उस पीछे के श्लोक से आना चाहिए, नहीं तो आएगा नहीं कायदे से। ये श्लोक बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भगवान ने कहा भक्त ब्रह्म हो जाता है। तो ब्रह्म हो जाता है माने कुछ और बनता है क्या? पहले भगत था, फिर भक्ति का रसायन मिला मिला के हैं? उसमें रूपांतरण हो गया तो उसका नाम पड़ गया ब्रह्म। नहीं जी, उसका अपना स्वरूप है, वही ब्रह्मत्व की प्रतिष्ठा है, उसी में ब्रह्मता का लक्षण है, और किसी में ब्रह्मता का लक्षण घटेगा नहीं। उसी में अमृतत्व का लक्षण घटता है, उसी में निर्विकारता का लक्षण घटता है, उसी में शाश्वतता का लक्षण घटता है। इतना ही नहीं, ऐकांतिकस्य सुखस्य प्रतिष्ठा अहम्, अनैकांतिकस्य सुखस्य प्रतिष्ठा विषयाः भवन्तु। अनैकांतिकस्य, अनैकांतिकस्य माने कभी होना कभी नहीं होना, कभी किस रूप में कभी किस रूप में, व्यभिचरित होते रहने वाला जो सुख है, हैं? उसकी प्रतिष्ठा संभव है कोई विषय हो, लेकिन एक रस सुख की अगर कोई प्रतिष्ठा है तो वो अहम ही है। क्या सुंदर, इसको बोलते हैं आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् न विभेति कुतश्चन। अहम प्रत्यगात्मा वह आनंद स्वरूप है, माने क्या? सुखरूपता का लक्षण। कैसा सुख? अव्यभिचरित, एक रस, निर्विशेष सुख, मजा है। लोग ने लोक में बोलते हैं विषय का तो सुख होता है, परमात्मा का आनंद होता है। खुद ही अपना पाणनी नए नए बनते जा रहे हैं। हाँ, माने जिसको जो पाणनी अपने आप ही बनना है। आपने शायद पता नहीं ध्यान दिया होगा, मैंने कहा होगा कभी, श्रीमद् भगवत गीता में आनंद शब्द का उच्चारण नहीं है। जबरदस्ती अपनी मनमर्जी की बातें करते रहते। देखो यहां तो आनंद बोल सकते थे तो सुख ही बोलते हैं हर जगह। अत्यंतम सुखम अश्नुते सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम, अत्यंतम सुखम अश्नुते सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। ये देखो अब यहां भी क्या ले, सुखस्य एकांतिकस्य च बस। जो ऐकांतिक, अनैकांतिक जो नहीं है। अनैकांतिकता क्या है? जिस विषय से अभी सुख मिल रहा था क्षणांतर में उससे नहीं मिलेगा, इसको बोलते हैं अनैकांतिकता। नियतता नहीं है उसमें। अनैकांतिक होने का अर्थ है अनियत। आप निश्चय नहीं कर सकते कि इस चीज से यही चीज हो जाएगी, इसको बोलते हैं अनैकांतिक। हेतु का एक दोष माना जाता है, एक ऐसा हेतु दिया जो निश्चित न हो, कभी लग जाए कभी न लगे। तो ये तो फिर ब्रह्म स्वरूप चतुर्वेदी नहीं निकले, पूरी गिरिजी भी नहीं निकले।
ये तो विशुद्ध अमृतस्य अव्ययस्य सुखस्य एकांतिकस्य शाश्वतस्य कितने हुए? चार। चार लक्षणों से विशिष्ट, चार लक्षणों वाला जो ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द स्वयं अपना अर्थ देता है। अभी आपने पढ़ा तैतरीय में, ब्रह्म शब्द भी निरर्थक नहीं है, उसका अपना भी अर्थ है। तो पांच कर लो। ब्रह्म मने अपरिच्छिन्न, परिच्छेद राहित्य, परिच्छेद शून्य। अरे अर्जुन, ये अहम विचित्र धातु है, इसके बारे में गलत फहमी हो तो ये कुछ और भासता है, लेकिन ये चित धातु है, सोना है, सोना। अहम की धातु क्या है? धातु माने तत्व नहीं, धातु माने जैसे कोई कोई घड़ा पीतल का हो तो नाम तो पड़ेगा उसका घड़ा, हाँ, लेकिन धातु बोल जाएगी पीतल, ये ऐसे सोने का मानो घड़ा हो तब भी नाम तो बोलेंगे घड़ा, तो नाम पे मत जाओ, आकार पे मत जाओ, पूछो उसकी धातु क्या है। घड़ा तो मिट्टी वाले को भी कहते हैं, सोने वाले को भी बोलते हैं। धातु स्वर्ण है। अहम की धातु क्या है? चित धातु है। चित उस चित धातु को पकड़ो, घड़े और घड़े के रूप को न पकड़ो, ये तो सब तुम्हारी दृष्टि में है। कोई ऐसा है जो बोल सकता है अहम चित धातु नहीं? ज्ञानात्मक सत्ता है, अनुभव रूप है, और कैसा है? बिना प्रमाण व्यापार के अनुभव रूप है, इसको बोलते हैं चित धातु। विषय तो प्रमाण, विषय तो क्या है? प्रमाण व्यापार का फल है। विषय में जब प्रमाण व्यापार संपन्न होता है तो ज्ञान वृत्ति का फल उदित होता है, जिसको फल व्याप्ति बोलते हैं। हमारे संप्रदाय में आचार्यों ने, पूज्यतम आचार्यों ने निर्णय दिया, प्रमाण व्यापार से उत्पन्न होने वाली वृत्ति में दो व्यवहार है, विषयगत अज्ञान की निवृत्ति और विषय के ज्ञान की उत्पत्ति। दो, घटगत अज्ञान की निवृत्ति को वृत्ति व्याप्ति बोलते हैं, और अयम घट है, यह जो ज्ञान वृत्ति है, यह फल निकला, तो इसको क्या बोलते हैं? फल व्याप्ति। एक नहीं है, दो दो वहां फंक्शन है। आत्मज्ञान में केवल एक फंक्शन है। आत्मगत जो अज्ञान है, माने आत्म विषयक जो अज्ञान है, उसकी निवृत्ति तो होती है, लेकिन यह आत्मा है और इसको मैं जानता हूं, यह फल व्याप्ति नहीं होती। ये देखो, ये वेदांत सार में आपने पढ़ा होगा, इसको फिर ध्यान में डाल लें। अहम घटम जानामि, जिस तरह से ये फल वृत्ति है, वैसे अहम आत्मानम जानामि, इस ज्ञान का कोई अभिमानी नहीं होता। बना, टाइम लगता है इस बनने में, कालेन आत्मनिविन्दति, लेकिन इसको सुने रखो आप। इसको सुने रखो,
कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता कि आत्मा चित धातु से कुछ और हो सकता है। नहीं केनचित, नहीं कश्चित प्रतियात्ना हम अस्मीति, मैं नहीं हूं। यह जो अनुभव है, अनुभव मैं हूं, यह तो अनुभव सदा, लेकिन मैं अनुभव नहीं हूं नारायण, मेरा मुझको अनुभव नहीं है। नहीं कश्चित प्रतियात ना हम अस्मि, प्रमाणम च प्रमेयम च प्रमाता प्रमितिस्तथा, यस्य प्रसादेन सिद्ध्यन्ति, यस्य प्रसादात् सिद्ध्यन्ति, तत् सिद्धौ किम् अपेक्षते। ये हैं अहम महाराज, ये अहम ब्रह्म बनता नहीं है अर्जुन, ब्रह्म है। ब्रह्मत्व के समस्त लक्षण अगर कहीं सफल होंगे तो अहम में ही सफल होंगे। लेकिन किसको सफल होंगे? यह भक्ति योगे न माम सेवते, वो पहली जरूरत है। सबको सफल नहीं होंगे, तुम हो तो क्या हुआ, होने से क्या होता है। कोई बता जाए कि तुम्हारे खटिया के नीचे हैं करोड़ों के जवाहरात गड़े हुए हैं, तो इसे जानने से क्या हो। माम चयो, ये दोनों श्लोक एक साथ लेना चाहिए। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणाने समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते कीदृशम। ओ असली बात वही है। ये कैसे हो गया कि जीव ब्रह्म बनने लायक हो गया? क्या अन्यापत्ति हो रही है क्या? पहले तो जीव था, अब घिस घिस के ब्रह्म बन गया? नहीं जी नहीं, ब्रह्मत्व तो उसी में है और कहीं घटी नहीं सकता। कैसा ब्रह्मत्व? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम प्रतिष्ठा ये बाद में कर लेना। ब्रह्मणः अमृतस्य अव्ययस्य शाश्वतस्य धर्मस्य, धर्मस्य शब्द बोलते हैं, शाश्वत धर्म मने ज्ञान निष्ठा प्राप्यस्य, भाष्यकार ऐसा अर्थ करते हैं। देखो क्या लिखते हैं, सम्यक ज्ञानेन, हाँ क्या शब्द है यहां, ज्ञान योग धर्म प्राप्यस्य, ये देखो धर्म शब्द छूट रहा था। धर्म जो धर्म द्विविधो ही वैदिको धर्म, मूल धर्म है ज्ञान निष्ठा ब्रह्माकार वृत्ति, उस वृत्ति से उस ज्ञान योग से जो प्राप्य होने वाला धर्म है। बोले महाराज वो धर्म क्यों कहलाता है? धर्म तो विधि निषेधात्मक प्रवृत्ति है। बोले बिल्कुल गलत है, धार्यते इति धर्म, धर्म वो है जो समूची सृष्टि को धारण करता है, वो चेतन परमात्मा ही है। ये और वह धर्म अहम में ही रहता है। शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य ऐकांतिकस्य, माने छह लक्षण अगर हम विशेषण विशेष्य संबंध जोड़े तो ब्रह्म विशेष्य बना और पांच उसके विशेषण बने। तस्य ब्रह्मणः,
कैसा अन्वय करेंगे? तस्य ब्रह्मण एवं विशिष्टस्य ब्रह्मण प्रतिष्ठा कह, अहम प्रत्यगात्मा, मई प्रत्यगात्मनि एव एते सर्वे धर्माः उपलभ्यन्ते। प्रतितिष्ठन्ति क्या, उपलभ्यन्ते, सिद्ध्यन्ति, सिद्धाः भवन्ति, न अन्यत्र, न अन्यस्मिन् कस्मिन्नपि एते धर्माः सिद्ध्यन्ति उपलभ्यन्ते कस्मिन्नपि अन्यस्मिन्। यदि कश्चित् परमात्मा नामो भवति तस्मिन्नपि एते धर्माः सर्वे न उपलभ्यन्ते, तत्र ब्रह्मत्वमेव न उपलभ्यन्ते, उपलभ्यते। क्यों? तो मुझे अलग करोगे तो क्या होगा? वस्तु परिच्छेद अन्योन्याभाव। तस्मिन् दृश्यता भवति अथवा अदृश्यता, उसको भी जोड़ लेना। दृश्यता अदृश्यता कल्पना परिहर्तुम अशक्य, तत्र कोई न कोई कल्पना उसमें लगी रहेगी, या तो दृश्यता की कल्पना होगी या अदृश्यता की कल्पना होगी। सो अहमेव प्रतिष्ठा, इस तरह से ये बात बनी। अब तो 14वां, कल से मैं इस क्लास में उपनिषद देने वाला हूं, दोनों क्लास में उपनिषद होगा। सो मेरे समय तक उपनिषद ये ऐतरीय पूरा हो जाएगा, यही योजना है, इयम योजना। सो एक सरसरे नजर में आप देख लो, भगवान ने पहले प्रतिज्ञा करी, कई बार हो चुकी है चर्चा, पहले दिन तो हो ही गई थी, दो श्लोकों में महात्म वर्णन प्रतिज्ञा करी गई, तीसरे और चौथे श्लोक में परमात्मा ने अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को मूर्तियों का कारण बताया। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तेषां योनिर्महद्ब्रह्म अहम् बीजप्रदः पिता। ये संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। तो सबसे पहले जो मूर्ति है, माने जो जिसको आप जगत बोल रहे हो, वो सब का सब त्रिगुण से उत्पन्न हुआ, मेरी अधिष्ठानता में। पहले यह उल्लेख किया परमात्मा ने, फिर कहा जो तुम्हारी प्रवृत्तियां हैं, कार्यकरण जो प्रवृत्तियां हो रही। देखो, जगत की रचना गुणों के कारण है, और फिर इस जगत में कार्यकरण संघात भी शामिल है। तो कार्यकरण संघात और जगत, ये सब की सब त्रिगुण से उत्पन्न है, ये दो श्लोक में कहा। तीसरे श्लोक से, माने पांचवें श्लोक, तीसरा चौथा में ये बात कहेगी, पांचवें श्लोक में शुरू किया उन्होंने कि तुम्हारी समूची की समूची प्रवृत्तियां त्रिगुणों से नियंत्रित होती हैं। उसमें सबसे पहले बंधन, तुम जो बंधते हो उसका जिम्मेदार त्रिगुण है। सत्वम रजस्तमैति गुणाः प्रकृति संभवाः तद्निबन्धन्ति देहेस्मिन् निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। पहला बंधन का जिम्मेदार त्रिगुण, कैसे? वो बोलते हैं
तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशगमनामयं सुखसंगेन बधनाति। संगस्वरूपः किम् इति वर्णितम्। पहले भगवान ने इसका वर्णन किया, संग कैसे होता है, किस गुण से कैसे होता है। सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानग रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भव कर्म संगेन बधनाति। हाँ तन्नि बधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम देहिनम बधनाति। ये देखो कर्म संगेन, तो प्रथम जो प्रकरण उठाया दो, ये दूसरा प्रकरण है। प्रथम प्रकरण है सारे मूर्तियों की संरचना का हेतु रजोग माने तमो सॉरी त्रिगुण है, और अब बोलते हैं बंधन का हेतुत्व त्रिगुण में है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्रा वित्त निबधनाति भारत। ये बंधन का स्वरूप है। फिर बोले इन त्रिगुणों में आवर्तन होता है, एक बढ़ता है दो दब जाते हैं। रजस्तमश्चा विभूय सत्वं भवति भारत, रजस्सत्वं तमश्चैव तमस्सत्वं रजस्तथा। ये मूल श्लोक है। फिर इसकी व्याख्या है, कब बढ़ा, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युत इत्यादि। आप इसको बार बार पढ़िए घोंटिए, मैं तो केवल रेखांकन कर रहा हूं विषय का। सो त्रिगुणों में किस तरह से कौन प्रधान बनता है और कौन गौण बनता है, इसका परमात्मा ने वर्णन किया। इसमें एक बड़ी राहत की बात बताई कि जो प्रधान है उसी के लक्षण सामने आते हैं। गुण जब तक प्रधान न हो जाए तब तक कार्यक्षम नहीं बनता। अगर सत्वगुण प्रधान है तो तमोगुण और रजोगुण का जो कार्य है, कार्य माने निद्रा प्रमाद आदि, वो शांत हो जाए। सो दूसरा, इनको प्राकृतिक रूप से भी इनमें वृद्धि और क्षय होता रहता है, और साधना से भी ये हो सकता है। तो तीनों गुणों की वृद्धि, ये तीसरा टॉपिक आया। बंध पहला हेतुत्व माने कारणत्व, फिर बंधनत्व, फिर इनका वृद्धित्व, इनकी प्रधानता का स्वरूप, चलो ऐसे बोल दो। इसके बाद जब प्रधानता आई तो तदनुसार प्रवृत्ति हुई, तदनुसार प्रवृत्ति हुई तो फल आया, है ना। चौथा टॉपिक है फलम, क्या फल है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते इत्यादि श्लोक। माने गतियों का जो हेतुत्व है वो फिर गुणों में है। तो प्रवृत्ति का हेतुत्व गुणों में, गतियों का हेतुत्व गुणों में, बंधनत्व का हेतुत्व गुणों में, और कार्य करण संघात और सारे जगत के कारणत्व का भी हेतुत्व वही गुणों में। समेट देते हैं इसके बाद दो श्लोकों में इस पूरे प्रकरण का उपसंहार किया। कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम। अगला श्लोक, उसके अगले
ऊर्ध्वम गच्छन्ति। देखो ये मैं बोलना चाहता हूँ, माने गति, गति का उल्लेख करके उपसंहार किया, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः, माने गति का हेतुत्व परमात्मा ये गुणों में है। मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। यहां तक हो गया, ये 18वां श्लोक है ना। 19वें श्लोक में परमात्मा ने कहा, देखो अर्जुन ध्यान से देखो, तुम्हारी और जगत की समस्त प्रवृत्तियों का हेतु तो त्रिगुण में है, गतियों का भी हेतुत्व त्रिगुण में है, बंधन का भी हेतुत्व त्रिगुण में है, उत्पत्ति का भी हेतुत्व त्रिगुण में है। सो अगर इस रहस्य को कोई जान ले तो उसको ये दिखना चाहिए, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मदभावम सोऽधिगच्छति। ये देखो, गुणानेतान अतीत्य त्रीन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तः अमृतम अश्नुते। ये दो श्लोक में सारी मीमांसा का परिणाम और फलश्रुति दोनों, मीमांसा से बनी हुई प्रमा और उस प्रमा का फल। 19वें श्लोक में प्रमा है, 20वें श्लोक में फल है। 21वें श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया, कैर्लिंग स्त्रीन गुणानेतान अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथम चैतान त्रीन गुणान अति वर्तते। 22वें श्लोक से परमात्मा ने, तो 25वें श्लोक तक मैंने चार श्लोकों में लक्षण बताया है, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च इत्यादि। इन लक्षणों में एक तो दो लक्षण ऐसे बताए उदासीन वत आसीन, और फिर दो श्लोकों में समता की बात की, समशत्रु मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारि पक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीत स एवं। 26वें श्लोक में परमात्मा ने कथम एतान गुणान अतिवर्तते इस प्रश्न का उत्तर दिया, वो प्यारा है। माम च योग्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यैत्रान ब्रह्म भूयाय। 27वें श्लोक में 21वें श्लोक का जो अंतिम पाद है, कथम चैतान तीन गुणान अतिवर्तते, इस प्रश्न का उत्तर है, बहुत ही बढ़िया मास्टर। और फिर कहा, जीव ब्रह्म हो सकता है क्योंकि वह ब्रह्म है। ये अंतिम है 27वां श्लोक, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्यस्य च सुखस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। ये है भगवान का प्रवचन, पूरा 14वां अध्याय। चूंकि गुणत्रय की मीमांसा की गई है प्रधान रूप से, इसलिए पूरे अध्याय का विषय बनाया गया गुणत्रय विभाग योगो नाम। गुणत्रय का विभाग करके इसकी मीमांसा की गई। योग क्या है इसमें? योग है 19वां श्लोक, प्रमा की प्राप्ति। मीमांसा प्रमा पर्यवसायी है। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। ये है, ये योग है प्रमा। फिर इस प्रमा का फल बताया,
विमुक्तः अमृतम अश्नुते, 20वें श्लोक। सो इस प्रकार से ये 14वां अध्याय आज संपन्न होता है। परमात्मा को आभार दें अपना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।